Srimad Rajani Patil. Adhyakshi, आपको और मेरे पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी वजह से मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका मिला है. अध्यक्ष जी, 26 जनवरी 2015 में जब रिपब्लिकन परेड हम टीवी पे देख रहे थे तब गर्व से हमारी गर्दन उन्नत हो गई और ऐसा समय था कि जिस देश के आगे बढ़ाने के लिए हमें धान की भिक्षा मांगने की नौबत आई थी अमेरिका की तरफ, उस ओबामा के सामने हमारे प्रधानमंत्री ने उनको जब हमारा चित्ररथ दिखाया तो चित्ररथ में जो हम चित्ररथ की यात्रा देख रहे थे तो मेरे सामने वो चित्ररथ नहीं था, वो 60 साल का इतिहास था इस देश का, जिसमें 60 साल के जो प्रसंग हमारे देश के ऊपर आए हुए थे, जिसमें हमारे बहुत जो बदलाव किए हैं अलग अलग सरकारों ने, वो हमारे सामने आ गए थे. सर, पूरी तरह दूसरे देशों के ऊपर हम अवलंबित थे, लेकिन उसी देश के अध्यक्ष ओबामा के सामने हमारी चित्ररथ यात्रा जब निकल रही थी तो हमें हमारे देश के किसानों के ऊपर, हमारे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, हमारे देश के उद्योजकों के ऊपर, हमारे देश के शिक्षकों के ऊपर, हमें हर तबके की व्यक्ति के ऊपर हमें लगा कि एक अभिमानास्पद काम इन्होंने 60 साल में कर दिया है. और हर समय हरेक सरकार ने, अध्यक्ष जी, हरेक सरकार ने, चाहे वो सबसे ज्यादा काम करने वाली कांग्रेस पार्टी हो, 2.5-3 साल काम करने वाली जनता पार्टी हो, 4.5 साल काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने सब ने इस देश को आगे बढ़ाने की अपनी तरह से पूरी कोशिश की. सर, इस देश के इतिहास ने ये इतिहास रचा है कि पंडित नेहरू जी ने जब नव भारत का निर्माण का सपना देखा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगवाया था, इंदिरा जी ने गरीबी हटाव का काम हाथ में लिया था, राजीव जी ने 21वीं सदी में अपने देश को ले जाने का प्रयास किया था, और उसी के बाद में सभी जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने इस देश को आगे ले जाने की कोशिश की है. धन्यवाद. सर, इस सदन में बहुत सारे सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात बोल चुके हैं. मैं सिर्फ एक दो सब विषयों के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि समय की पाबंदी है. सर, महिलाओं के विषय में पहले मैं बात करना चाहूंगी. सर, महिलाएं ऐसी है कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जो आधा अवकाश प्राप्त करती है, लेकिन इन महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को इंदिरा जी ने अपना अधिकार, अपनी शक्ति खोजने की कोशिश की, जिन महिलाओं को राजीव जी ने अपना अधिकार दिया और उन्हीं के 33% रिजर्वेशन के अनुसार चाहे जिला परिषद हो, चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उसमें 33% महिलाएं चुन के आना शुरू हो गया, और जहां पे 30 लाख लोग चुन के आते थे इस देश में, वहां पे 15-17 लाख महिलाएं चुनने आने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और महिलाएं राजनीति के मूल प्रवाह में शामिल हो जाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्हीं की वजह से काम हुआ है. और इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि उन्हीं महिलाओं की बात मैं करना चाहूंगी. राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मैंने सुना और मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर कि सर, इस अभिभाषण में महिलाओं के लिए जिस तरह से प्रावधान रखने चाहिए थे वो प्रावधान रखे नहीं गए हैं. सर, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से गत 9 महीनों में अपराध बढ़ गए हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं सर, और जिस तरह से दुर्लक्ष महिलाओं के ऊपर हुआ है, मुझे ये बहुत मजबूरी से कहना पड़ता है कि निर्भया को लेके इस सरकार ने, यूपीए सरकार ने बहुत बड़े कानून बनाए, लेकिन निर्भया के बाद में वो दोहराने वाली स्थिति आ गई और 9 महीने में 30% इंक्रीज हुआ है रेप के ऊपर, 30 जो बलात्कार हुए हैं, 2069 बलात्कार हुए हैं सर, ईव टीजिंग के 4179 प्रकार हुए हैं. सर, ये सरकार बोलती है कि माय गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स To empower and protect the dignity of women, लेकिन इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये हमें आपको, आपके द्वारा अनुरोध करना चाहते. क्या कहते हैं इस लोग, यहाँ के सामने बैठने वाले लोगों के नेता क्या कहते हैं? कोई बोलता है कि योगा करो,
योगा से बलात्कार कम हो जाएंगे। कोई बोलता है हर एक हिंदू महिलाओं ने 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कोई बोलता है अगर समाज की नजर से बचना चाहो तो अच्छे से कपड़े पहनो, जींस मत पहनो, अच्छे से कपड़े, ढंग के कपड़े पहनो, इस तरह से बातें ये करते हैं। मेरी सिर्फ एक ही विनती है इन लोगों को कि आप ना हमें देवता समझो, ना हमें दासी समझो, सिर्फ हमें मानव कर बर करके जीने का अधिकार दे दो, और मानव करके जीने का हमें अधिकार मिलने की आवश्यकता है, और यही इस पार्टी से, इस सरकार से हमारी अपेक्षा है। सर, मैं बात करना चाहूंगी 1996 में जब पहली बार आरक्षण का कायदा इस दूसरे सदन में जब आ गया और महिला आरक्षण बिल जब आ गया तो पूरा सदन, तब मैं भी एक सदस्य थी उस सदन की, और पूरा सदन हाथ तालियां बजाने लगा और भाषण करने लगा। सभी बेंचेस के लोग बोलने लगे यत्र नारंस्तु पूज्यते तमर रमन्ते तत्र देवता। हमें लगा हमें आरक्षण मिल गया, हमारे सभी भाई हमारी तारीफ कर रहे, तो अभी हमारी आधी आबादी को न्याय मिलने का समय आ गया। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि सेंट्रल हॉल में जाके जब हम चाय के लिए गए तो लोग बोले क्या पागल हो गई है क्या, हम हमारे हाथ में बेलना नहीं लेंगे, और उन लोगों ने ये आरक्षण नहीं किया। इस सरकार ने वायदा किया है, जब सत्ता पे आए तो उन सरकार ने वायदा किया है कि महिलाओं को आरक्षण हम करेंगे। मेरी अपेक्षा थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण की कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लेख किया होता, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया है, और सिर्फ मॉरल ट्रैफिकिंग, मॉरल पॉलिसिंग करते ये लोग रह गए, और मुझे लगता है ये बराबर बात नहीं है। सर, दूसरी बात, मैं जिस स्टेट से आती हूँ, महाराष्ट्र से, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। ये महाराष्ट्र ऐसा है कि जहां आप देखेंगे तो सबसे बड़ी आत्महत्या किसानों की इस महाराष्ट्र में हुई है। आज की तारीख में हमारे सरकार हमने इसी सभागृह में बहुत बार मांगा है, कभी हमारे यहाँ अकाल पड़ता है, कभी हमारे यहाँ ओले पड़ते हैं, कभी हमारे यहाँ पानी, जैसे कि 2 दिन से हमारे यहाँ इतना पानी बरस रहा है कि 2 दिन से पानी बंद ही नहीं हुआ था, आज सुबह थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस सब हमारे किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को ठीक तरह से जीने नहीं दे रहा है, और उसी की वजह से किसानों की आत्महत्या हो रही है। जनधन योजना सब बोल रहे हैं। मैं परसों गांव गई थी तो गांव में सब बोले कि हर एक जनधन योजना के अकाउंट के लिए 500 रुपए उन बैंकों ने जबरदस्ती ले लिए है अकाउंट खोलने के लिए, नहीं तो अब अकाउंट नहीं खोलेंगे, इस तरह से बोला है। और ये सिर्फ आंकड़े दिखाते हैं कि हमने इतने फलाने अकाउंट खोले, और अकाउंट में, जैसा हमारे भाई प्रमोद जी ने कहा, अकाउंट में खोल के हमारे गरीब लोग, गरीब किसान राह देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल काला धन वापस आएगा और हमारे खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि काला धन इन लोगों ने पहले ही बता दिया है, और उससे काला धन नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है इसमें ये सक्षम होंगे, इसमें ये काबिल होंगे। सर, स्वाइन फ्लू, जिसका सबसे ज्यादा परिणाम महाराष्ट्र में भी हुआ है, मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, और खास तौर पे पानी की वजह से स्वाइन फ्लू की एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई है। मंत्री जी ने बयान तो दिया है, लेकिन कहीं पे भी उनका जो औषध है, जो कहीं पे जो दवाई है, वो सस्ते में नहीं मिल रही, ब्लैक मार्केट में मिल रही है स्वाइन फ्लू की दवा। हमने खुद देखा है, कुछ स्वाइन फ्लू होने वाले व्यक्तियों के पास जब मैं मिलने गई थी, स्वाइन फ्लू की दवा बाहर मार्केट से स्टॉक कर दी गई है, स्टॉकिस्ट ने काला उद्योग उसका शुरू कर दिया है, उसके लिए आवश्यक है कि सरकार कर दे। सर, किसानों के बारे में मैं और कहना चाहूंगी, इस साल किसानों का कपास का रेट गिर गया है। सर, जो धान था हमारा, उसको भी प्राइस नहीं मिल रहा है, गन्ने के किसान वो भी परेशान है, सभी तरफ से किसान घेरा गया है, और मुझे लगता है किसानों की राहत देने की बहुत बड़ी आवश्यकता, इस सदन के द्वारा मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि बहुत बड़ी आवश्यकता है, किसान बहुत परेशान है, और किसानों को अगर मदद नहीं की जाएगी तो किसान कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ये सालों से चलता आ रहा है, और ये दुष्ट चक्र, जिसको हम बोलते हैं दुष्ट चक्र, में किसान फंसा हुआ है। सर, किसानों के बाद में मैं बात करना चाहती हूँ बच्चों की, जो बच्चों के लिए जो प्रावधान जिस तरह से करना चाहते थे, और जिस तरह से सरकार की तरफ से हमारी अपेक्षा थी, हम बोलने में तो बोलते हैं कि 2020 ये हमारा गोल्डन डे रहेगा, गोल्डन एज रहेगा, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में पैदा है आज की तारीख में, लेकिन उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका कहीं भी निशाना इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे हमने नहीं देख पाए। हमें लगता है उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिक्र हर एक ने किया है सभागृह में, उनकी सर उनके नियत में खोट है, सरकार की नियत में खोट है, जो भी करते हैं बोलते हमने किया,
हमारे यहाँ बोलते हैं जब पानी का नल हमने किया, पाइपलाइन हमने की, उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो बोलते हमने किया, मंगलयान छोड़ने का टाइम आता है तो मंगलयान हमने किया, जब जम्मू कश्मीर की कटरा की रेलवे का उद्घाटन करना होता है तो बोलते हमने किया। हमें सिर्फ ये कहना है कि अच्छा है आप ये करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने किया है उनको भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने, क्योंकि जब भी कांग्रेस की बात निकलती है, जब भी हमारे पार्टी की बात निकलती है तो बहुत बड़े उपहास गर्भ स्टाइल में ये लोग बोलते हैं, इससे बहुत परे, क्योंकि राजनीति तो सब करते हैं लेकिन राजनीति कहाँ करनी है। 60-60 साल हमने भी राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है और इस देश को यहां तक लाने का काम जो किया है सरकार, कांग्रेस का सर, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यही मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगी और मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद देते हुए नाराजगी प्रकट करूंगी कि इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दे हमने उठाए, चाहे वो महिलाओं के हो, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे वो किसानों के हो, उनके लिए अलग स्पष्ट उल्लेख होने की आवश्यकता है और इसके आगे सरकार उसके जिम्मेदारी से करेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Ms. Rajani Patil.